बान शान को प्रणाम है, त्याग और तपस्या के प्रतिमान उस सुभट महान को प्रणाम है, न रुका कभी न झुका कभी रण में राणा के स्वाभिमान को प्रणाम है, चेतक की पदचाप गज पे पड़े जुटाप अरियों के रक्त के स्नान से प्रणाम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ब्रह्म में ब्रह्मचारी, योगियों में शिव के ध्यान को प्रणाम है, ब्रह्म में ब्रह्मचारी, योगियों में शिव के ध्यान को प्रणाम है, यहाँ पर बैठे सभी जान पहचान अनजान को प्रणाम है, गंगा की माटी सौर की परिपाटी ऐसे पराक्रमी हिंदुस्तान को प्रणाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भैया, क्या बात है। कभी सनातन पर उंगली उठती है तो सनातन का इतिहास बताता हूँ। सनातन का इतिहास है चिरकाल से इस काल तक, महिपाल से जनकाल तक, सतकाल से कलिकाल तक, दस कुंजरों के भाल तक, ज्ञान से विज्ञान से सुतिशोध से संधान से, मह के लिए सब कुछ समर्पित जन्म से निर्माण तक। शुद्ध होने के लिए जरूरी नहीं कि स्नान होना चाहिए, मिट्टी का कर्ज चुकाना है सभी को ध्यान होना चाहिए, हम हो किसी भी संस्कृत के प्यारे, हमारे अधरों पर सर्वप्रथम जननी जन्मभूमि का गौरव गान हो। बहुत अच्छा है, क्या कहें। जो श्री राम और श्री कृष्ण के विरोधी थे, जो श्री राम और श्री कृष्ण के विरोधी थे, बचाना उनका पुत्र ना नाती है, आज भी श्री राम के शत्रुओं के यहाँ जलाना दिया पाती है, हो जाओ सभी एकत्रित अयोध्या तो झांकी है, सच कहता हूँ जो श्री राम और श्री कृष्ण के सनातन के शत्रु हैं, बस उनका निर्वंश होना बाकी है। वाह, हमारे इतिहास को इतना छुपाया गया है, इतना छुपाया गया है कि साहित्यकारों सच्चा इतिहास जानोगे कब, गाते हो राष्ट्र गान वाला सिंधु अपने पास नहीं है अब। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वंदन का पाठ पढ़ाया जाता है, हर दिन हर क्षण हर पल हर कीर्तन गाया जाता है, विषम परिस्थिति में पूजा से पहले राष्ट्र बताया जाता है, इसीलिए हम सब के बीच में राष्ट्र गान भी गाया जाता है। राष्ट्र गान में एक शब्द सिंधु प्रांत भी आता है, पर प्यारे भारत के मानचित्र पर सिंधु को दर्शाया ना जाता है। वाह वाह, बंग की थरा से जो गौरव गान लिखा गया, इसीलिए साहित्य में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, सारे वामपंथी चुप हैं 1947 से, क्योंकि आजादी के बाद सिंधु में कभी तिरंगा न पहराया गया। इतिहास पढ़ा हमने जब अकबर का, वो सारी कहानी झूठी थी, राणा के रण कौशल से उस अकबर की रीढ़ की हड्डी टूटी थी, आज भी वामपंथी अकबर द ग्रेट कहते हैं जिसको, राणा प्रताप के रण कौशल से उस अकबर की लघु शंका भी टूटी थी। वाह, सत्य घटना है। नारायण की वेद ऋचाएं अब नासा को भाती हैं, नारायण की वेद ऋचाएं अब नासा को भाती हैं, दुर्गा माँ की सप्तशती विश्व पटल पर छाती है, ये संस्कृत भाषा आर्यों की गौरव गाथा को गाती है, रघुवंशम में रघु का गौरव भारत का मान बढ़ाती है। यहाँ की भ्रात इसने, यहाँ की भाई की भ्रात इसने से भरी हुई, आज्ञाकारी पुत्रों की माँ की ममता से गढ़ी हुई, भारवी का वह किरात अजूनियम जहाँ शब्दों की सुंदरता है, भवभूत रचित वह रामचरित करुणा की जहाँ दीर्घता है। वाह, पाषाण हृदय मानव भी पढ़कर इसको भावुक हो जाए, हो पच हृदय भी खंड खंड पत्थर भी गलकर बह जाए। वाह, गर्व करिए बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा मुखम, कहाँ चार पेश के बाद विराम है, कालिदास विरचित रघुवंशम कालिदास की अलग निराली शान है, भागवत पुराण वेद व्यास रचित वाल्मीकि रामायण विश्व में पहचान है, ऐसी हमारी मनुहारी संस्कृत जिसे रात दिन करता है। बहुत अच्छा,